इतिहास प्रसिद्ध वे कथा और कहानियां हमारे सामने आने लगती हैं जिनसे देश प्रेरणा लेता है। आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राजस्थान के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा के माध्यम से अभय प्रदान करते हैं। तो यहाँ के किसान, यहाँ के समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए नागरिक राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपनी कला, अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी एक नया आयाम प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। राजस्थान के लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा और भाइयों बहनों, उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है, एक नई तरंग पूरे देश के अंदर चल रही है, एक नए भारत का दर्शन पूरा भारत कर रहा है, भारत की 142 करोड़ की जनता कर रही है। भाइयों बहनों, ये नया भारत वैश्विक स्तर पर जिस भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है, आज भारत को लोग एक विश्वसनीय देश और सहयोगी के रूप में सम्मान दे रहे हैं और पीड़ित मानवता को अभय प्रदान करने के एक देश के रूप में जहां कहीं अशांति होगी भारत की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये नया भारत है, एक और दुनिया को शांति का संदेश देने वाला और दूसरी तरफ दुश्मन की टेढ़ी आंखों को निकालने की हिम्मत करने वाला भारत भी है। भैया बहनों, कितनी अद्भुत क्षमता है भारत की। एक तरफ हम शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दुश्मन को उसके बांध में घुस करके ठिकाना लगाने का साहस भी हर भारत के जवानों के अंदर है। भैया बहनों, मैं आपसे एक बात सही मायने में रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया लेकिन बदले में समस्याएं थी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए है। बहुत लंबा समय नहीं कहेंगे लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो भाइयों बहनों, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही थी, कार्य करना चाहती थी लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अपने अंतर कलहों के कारण जहां तहां अव्यवस्था, अराजकता, विकास के बैरियर के रूप में ही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के अंदर जानी जाएगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है।
देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है, समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, आस्था के साथ खिलवाड़। कैसे? हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है, 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया।